वापस एक बार हम लोग आ गए हैं माइनक्राफ्ट के अंदर और यहाँ पे है कुछ इनोसेंट से विलेजर्स जिनको हमें बचाना है खतरनाक ज़ॉम्बी स्केलेटन्स और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स से। उसके लिए हम लोग इनके लिए बनाएंगे एक खतरनाक सा डिफेंस सिस्टम जो कि भाई अल्ट्रा लेवल का होगा, एंड अगर वो भी नहीं काम आता तो उसके लिए भी मेरे पास अल्टीमेट वेपन है। और गाइस ये करने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है और टाइमर भी शुरू हो चुका है। अब तो बस खतरनाक सी चीजें है यहाँ पे, काफी सारी चीजें है। एंड ये क्या भाई, एक सेंट्री। ओके तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीजों को ये साइड पे लगाने वाले क्योंकि ये साइड से आने वाले अपने मॉब्स। तो मैं क्या करता हूँ, ये साइड पे काफी सारी चीजें लगाता हूँ। ये देखो सेंट्री है, अगर कोई मॉब वगैरह आता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक मिनट, हम लोग इनको ना ऐसे नहीं रखते बेटे, एक्चुअली मुझे इनको ना अंदर लगाना था, जब कोई मॉब आएगा तो ये लोग एक्टिवेट हो जाएगा देखो इस तरीके से, एंड मारने लगते ये लिटरली। तो हम लोग इनको पहले तो अंदर रखते हैं। अबे नीचे जा, नीचे जा। तो भी और भी सेंट्रीज है मेरे पास, काफी सारे सेंट्रीज है अपने पास, इन सभी को लगा देते हैं। आई एम नॉट श्योर ये कितने काम के, मे बी काफी ज्यादा लगा लिए मैंने। ओके ये तो डेफिनेटली काम आने वाले है अपने को। और भाई कुछ चीजें और करता हूँ मैं, क्या सोचता हूँ ना यहाँ पे नीचे हम लोग थोड़ा सा खुद के लावा वगैरह भी लगा सकते हैं, बट लावा से क्या हो जाएगा ना वो लोग साइड से आ जाएंगे, इससे बेटर है हम लोग यहाँ पे सेंट्री लगाते हैं ऐसे। एंड और कुछ चीजें है अपने पास, मैं क्या करता हूँ ना खुद के लिए एक बेस भी बना लेता हूँ विलेज के अंदर के साइड, जहाँ पे मैं आके रुक सकता हूँ। ओके तो अपने पास उसके लिए चीजें है कुछ कुछ चीजें नहीं, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल सा एक ये रहता है ना आयरन रहता है, आयरन से एक छोटा सा ऐसा कमरा बना लेते हैं। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कमरा होगा वो। अरे छोटा सा कमरा है, कुछ सीन नहीं उसका, पूरा आयरन का बना देता हूँ तो कोई आएगा तो वो अंदर नहीं घुस सकता। ओके उसके लिए भी अपने पास एक और खतरनाक चीज है। ओके सो यहाँ पे एक दरवाजा बनाते हैं। ओके डोर में दिखाता हूँ अपने पास किस टाइप का डोर है, एक कीपैड वाला डोर एंड एक स्कैनर वाला भी। ठीक है तो हम लोग कीपैड वाला डोर लगाते हैं, तो इसको हम लोग एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ओके तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका पासवर्ड सेट करते हैं, ज़ॉम्बी सेट करते हैं। क्या हो गया, पासवर्ड सेट नहीं हुआ क्या? अच्छा पासवर्ड हम लोग नंबर वाला ही सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस पासवर्ड मैं वो सेट करने वाला हूँ जितने मुझे लाइक चाहिए, तो लाइक के बटन को अभी के अभी दबा दो क्योंकि अपने को चाहिए 10,000 लाइक एंड पासवर्ड भी 10,000 का रखने वाले। तो अभी मैं जब यहाँ पे 10,000 टाइप करूंगा ओके तब भी ये डोर खुलेगा। एंड आई थिंक अपने को यहाँ पे कुछ विंडो वगैरह लगवानी चाहिए, तो विंडो के लिए ना अपने पास ग्लास है बट नॉर्मल सा ग्लास नहीं, आई थिंक रीइंफोर्स्ड ग्लास है। ओके ये सादा वाला ग्लास नहीं, इसको देख सकते हो थोड़ा सा मोटा टाइप का ग्लास है क्योंकि भाई ये टूटता नहीं, लाइक नॉर्मली हम लोग अगर सर्वाइवल में जाता हूं आपको दिखाता हूं तो हाथ से तोड़ने जाओगे देखो टूटता ही नहीं, ये बेडरॉक से ज्यादा मुश्किल है तोड़ना। अच्छा बाहर निकलने के लिए भी अपने को पासवर्ड चाहिए, ये कुछ ज्यादा खतरनाक है, एंड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है दरवाजा। नेक्स्ट अपने पास आयरन का फेंस जो कि मैं सेंट्री के आगे लगा देता हूं, अपने पास टाइम कम है वरना भाई सारे साइड से लगा सकता था मैं, अपने पास बहुत कम टाइम बचा यार। एक मिनट अपने को भी आना जाना होगा तो कुछ कुछ जगह के पे मैं इनको खोद के रखता हूँ, बट इसके आगे मैं कुछ चीजें लगाने वाला हूँ जिनसे उनको पड़ेगा काफी ज्यादा डैमेज। ओके अरे भाई इतना क्यों बड़ा है यार ये विलेज। ओके कोई सीन नहीं गाइस, कोई सीन नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी चीजें करेंगे। ओके भाई बारिश स्टार्ट हो गई अचानक से, मतलब कि अपनी वाट जल्दी लगने वाली है, तो फटाक से अपने को ये काम करना पड़ेगा। अब जो एक अलार्म है, आई एम नॉट श्योर ये कैसे काम करता है अलार्म। ओके तो मे बी अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, पता नहीं शायद से ये काम करने लग जाएगा जब ज़ॉम्बीज इसके आगे जाएंगे। तो मैं एक अलार्म यहाँ पे लगवा लेता हूँ, काम करता है क्या देखेंगे हम लोग बाद में, या फिर मे बी रेडस्टोन से ये एक्टिवेट हो सकता है। ओके चेक करते हैं कि रेडस्टोन से ये वाला अलार्म एक्टिवेट होता है क्या। होता है भाई, तो मोशन एक्टिवेटेड लाइट्स वगैरह मैं लगा दूंगा तो खतरनाक हो जाएगा। ओके अपने पास फ्लोर ट्रैप भी है बेट, तो बीच बीच में मैं कहीं पे फ्लोर ट्रैप्स भी लगा दूंगा, रैंडमली लगाते आ जाओ। भाई बेचारे विलेजर्स को आइडिया ही नहीं है कि क्या होने क्या वाला है उनके साथ अभी। अपने को एक्चुअली ना इनके सामने प्रेशर प्लेट लगवानी चाहिए, बेट आपको दिखाता हूँ क्या बोलता हूँ मैं, अगर इसके सामने प्रेशर प्लेट होगी तो अपने को अलार्म बजेगा। ये देखो अभी सर तो आगे से एक प्रेशर प्लेट लगाते अलार्म बजने लग जाएंगे सीधे। ये अगर ट्रैप भी इसी तरीके से काम करते होंगे तो उनके आगे भी अपने को लगानी पड़ेगी, नहीं ट्रैप तो सही से काम करते हैं तो अपने पे ये काम नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्रेशर प्लेट लगवा दे ताकि अपने को तुरंत पता चल जाए कि भाई अलार्म बजने वाले। अरे यार ये साइड पे मैंने लगाया नहीं, कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं, हम लोग लगाते अभी अलार्म। भाई ऐसे ही होता है जब टाइम की अपने पास कमी होती है, वरना तो भाई खतरनाक लेवल का मैं बेस बनवा सकता हूँ। हम लोग क्या करते हैं दो चार कैमरा लगवाते। ओके भाई आई थिंक हम लोग यहाँ पे नहीं लगवा सकते, इसके ऊपर लग सकता है मे बी कैमरा, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ माउंटर से, इसको
अभी लगाया मैंने, अभी एक नंबर का कैमरा मैं देख सकता हूँ, ये देखो मैं खुद को भी देख सकता हूँ। अरे भाई कहाँ पे देख रहा हूँ भाई, ये देखो ये देखो, खतरनाक है दिखने में। एक मिनट, इससे बाहर कैसे आते, आ गया चलो ऐसे ही दो चार कैमरास में यहाँ पे लगवा देता हूँ बीच बीच में, ताकि अपने को कभी भी देखने को प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं से भी मैं देख सकता हूँ कि अपना सिस्टम कैसे काम कर रहा है। एंड प्लस यहाँ पे भी कुछ लगाता हूँ अंदर, एक दो कैमरास को मैं कनेक्ट करना, एक्चुअली मैं भूल गया हूँ, अभी भी कनेक्ट कर सकता हूँ मैं इसको, वैसा कुछ सीन नहीं है, बाद में कनेक्शन होता है ठीक है। कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी तुरंत समझ जाएगा अपने को, वैसे तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा सारी की सारी प्रॉब्लम। ये तो छोटा सा पार्ट हो गया अपना सिक्योरिटी सिस्टम का। अभी तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको और भी स्लो करने के लिए ना दो चीजें और करते हैं, हम लोग मैग्मा ब्लॉक से ना उनको लगाते हैं, यहाँ से लेके लगा सकते हैं ना मैग्मा ब्लॉक लगवाता हूँ मैं नीचे के साइड, एक्चुअली मुझे लगवाने मैग्मा ब्लॉक्स, तो इसको मैं फिल ही कर देता हूँ ये दो ऐसे मैग्मा ब्लॉक्स लगा के ठीक है। तो कुछ रैंडमली लगाता हूँ ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं भी फिल करूंगा मैग्मा ब्लॉक। ये देखो तीन लेयर का मैग्मा ब्लॉक लग गया, तो इससे भी लोग स्लो जाते हैं, प्लस थोड़ा सा डैमेज भी खाएंगे, तो ये भी एक खतरनाक सी बात है। एंड और भी थोड़ा सा स्लो करने के लिए ना मेरे पास क्या पता है क्या, सेंट्री के आगे ये चीज मैं लगा सकता हूँ। तो अपने को क्या करना है, अपने को लगवाना है यहाँ से कॉबवेब लगाना है, तो मैं ये भी फिल कर देता हूँ भाई, क्योंकि अपने पास टाइम की कमी है, उसके पहले ही अपने को चीज करनी है ठीक है। तो ये कॉबवेब हो गया, ऑब्वियसली आपको पता है कॉबवेब से क्या मजा आता है, लाइक इतने स्लो हो जाएगा ना सामने सेंट्री वगैरह, वो तब तक इनको मारने लग जाएंगे, ये एक खतरनाक सी बात हो जाएगी। एंड भाई साहब फाइनली मुझे एक और चीज करनी है, एक और यानी कि काफी खतरनाक सी चीज करनी है, वो है अपने को लगवाने हैं माइंस लगवाने, वो भी बड़े बड़े माइंस ठीक है। तो ये है माइंस है, एंड ये क्या इंटेलिजेंट मुझे पता नहीं ये क्या चीज है, ये भी मैं एक दो लगवा लूंगा, यहाँ आई हैव नो आइडिया ये क्या चीज क्या है, बस मैं लगाते जाऊंगा इनको, क्योंकि भाई साहब थोड़ा सा टाइम बचा है तो अपने को माइंस जल्दी से लगवानी पड़ेगी। एंड आई एम नॉट श्योर कि माइंड का एक रिमोट कंट्रोल आता है रिमोट माइंड का, तो ये देखो रिमोट माइंड एक्सेस ठीक है, तो हम लोग शायद से इसको ये आप कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं काफी सारे माइंड को ना कंट्रोल करने वाले यहाँ से, कितने सारे माइंड में लगा सकते हो इसमें, आई गेस काफी सारे माइंड मैंने इस पे लगा लिए, काफी ज्यादा भाई डिटोनेट करूंगा फटना स्टार्ट हो जाएगी सारी की सारी चीजें ठीक है। तो ये लास्ट डिफेंस मोड है, एंड भाई इस माइंड के रिमोट कंट्रोल को यहाँ पे आके अंदर डालने वाले, ताकि भाई हम लोग थोड़ा सा आराम से रह पाए यहाँ पे। ये माइंड का रिमोट कंट्रोल यहाँ पे डालेंगे, और उसके पहले ऑब्वियस सी बात है आपको पता है हम लोग यूज करेंगे One eternity later सब्सक्राइबर नंबर अपना ठीक है, जो कि अपने को 2 मिलियन यानी कि 20 लाख चाहिए, इतना डाल भी सकते हैं 2020,000 2 लाख 20 लाख 20 लाख है ना ये पक्का, या 2 लाख 20 लाख है ठीक है। तो 20 लाख का नंबर डाल दिया मैंने, एंड अभी अरे भाई कितनी बार दबाना पड़ेगा ओके, एंड इसके अंदर मैं माइंड का रिमोट कंट्रोल लगा दूंगा अपना। ये देखो यहाँ पे माइंड का रिमोट कंट्रोल लगा लिया, एंड अभी इसको करते क्लोज। भाई साहब ये देखो दिख रहा है, ये लास्ट में यूज होगा, लाइक जब अपने को बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिनेरियो लगेगा, जब लोग आगे तक आएंगे तब हम लोग करने वाले। भाई इतने सारे पासवर्ड है ना, मुझे याद रहेंगे या नहीं पता नहीं सीरियसली। गाइस लास्ट का अपने पास 1-2 मिनट ही बचा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या, रैंडमली हम लोग रील्स को लगाएंगे तो क्या होगा पता है क्या, ये थोड़े थोड़े करके वो साइड चले जाएंगे, लाइक ऐसे ऐसे करके इधर चले जाएंगे, बाहर के साइड नहीं जाएंगे। ये एक लास्ट वाला मेजर है मेरा, ये पूरी तरीके से तो फुल प्रूफ नहीं है, बट कोशिश तो चालू है, इधर भी लगाते आ जाओ, ये थोड़ा थोड़ा करके ये साइड आ जाएंगे। भाई साहब आ जा लगाओ लगा 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 लगा, अभी रेडी रहना पड़ेगा अपने को। भाई कुछ एंचांटेड गोल्डन एप्पल्स लेके रखता हूँ मैं, अपने पास टाइम काफी कम बचा है, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट वाली चीज हम लोग जो करने वाले वो है आयरन गोलम स्पॉन करेंगे, काफी सारे नहीं करेंगे क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता बेचारे मर जाए ऐसे ही। तो भाई गोलम यहाँ पे स्पॉन करके रखता हूँ, विलेजर्स के लिए गोलम काफी इंपॉर्टेंट चीज। भाई सामने काफी सारे ज़ॉम्बी समन हो चुके हैं, हम लोग सर्वाइवल में जाते हैं और इनको देखते हैं ये क्या करने वाले। बट ये तो नीचे गिर रहा है, हेलो अबे क्या हो गया क्या हो गया, अब तक क्यों लग रहा है, सेंट्रीज मार रहे उनको, ये देखो सेंट्रीज खतरनाक तरीके से मारा मारी कर रहे हैं। भाई सच्ची बोलता हूँ यार काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। ओके यहाँ पे क्रीपर्स वगैरह भी आ गए, कहाँ से पड़ रहा है इनको, अबे ये क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया ये तो चीज। ज़ॉम्बीज सारे के सारे मर गए, लगभग ज़ॉम्बीज काफी तेजी से मर गए, अभी अपने को देखना है क्रीपर या स्केलेटन्स का क्या हाल होता है। बट इतनी जल्दी कैसे मर गए यार, सच्ची बोलता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है गाइस अपने पास वहां पे देखो स्केलेटन्स है, ओके ये अपने को मारने लगने वाले भाई, सीरियसली मारने वाले। अरे आजा मार भाई मार, क्या कर रहे हो, डर गए क्या, हेलो अरे नुकड़ो डर गए क्या, हेलो अबे आजा ना मारने को आजा, क्या हो गया मुझे मारने दे ये लोग। ओ ओ वेट 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 भाई सेंट्री निकलने लग गए बाहर, एंड अभी सेंट्री मारने लग गए उनको। ओ नो 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 ये कुछ खतरनाक बात हो गई, ये काफी नुबड़े लोग ये थोड़े से ना डर गए अपने से। अभी बाकी है मेरे दोस्त।
आ जाओ पीछे आ जाओ, इनको यार भड़काते यहाँ से आते हुए। आ जाओ आ जाओ, देखते हैं अब क्या करते हैं लोग। अबे ये इतने में वहां मत कर रहे, सीरियसली इतने बकवास लोग मैंने फर्स्ट टाइम देखे। सेंट्रीज बाहर निकल चुके। ओके जब सेंट्रीज मारने लगते हैं ना भाई, वार्ड लग जाती है, सबकी वार्ड लग जाती है। सीरियसली ये देखो ना, ओ भाई अबे हाँ? ये क्या हो गया, ये क्या होगा, कहाँ से बढ़ रहा है? अच्छा ये चीज काम कर रही है, ये चीज है ना बड़े बड़े कूले फेंक रही है। बट अभी ना हम लोग कुछ कैमराज वगैरह देखते हैं। ओके कैमराज से तो भाई पता चल रहा मुझे कि इतना कुछ सीन नहीं चल रहा है, अब भी सब कुछ सही है। वेट इतना सब कुछ सही है, क्या ही फायदा था इनका। ये देखो मैं मुझे देखो भाई, मुझे देखो यार, मेरे को इतने सारे ये पड़ गए। भाई कुछ खतरनाक चीज हो गई है, यहाँ पे सीधा वार्डन्स आ गए हैं। नो वे। अबे नहीं ये क्या हो गया, कुछ दिखने रहा है मुझे। वेट वेट, हम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे कैमराज, बट इवन कैमराज अपने काम नहीं कर रहे। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे वार्डन्स है। वेट ये क्या कर क्या रहे। ओके ये सेंट्री को मारने की कोशिश कर रहे। नो वे गाइस, ये वाट लग गए। ओ नो, अंदर घुसे नहीं, भागो भागो भागो। नहीं 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 नहीं, अंदर चल, बंद कर बंद कर बंद हो जा भाई, मैं बचाऊ भाई, मैं कैसे वैसे बचाऊ। मेरे पास में एक आया। वेट मुझे डर लग रहा है गाइस, मुझे डर लग रहा है, सीरियसली डर लग रहा है। तो मैं लास्ट वाली चीज का इस्तेमाल करता हूँ। अबे कितने जीरोस थे इसमें। वेट 2000 हो गए, 20000, 2 लाख, 20 लाख। ओके ओके ओके, अरे बंद कैसे हो गया, अरे इसको उठाना है मुझे। ओ नो 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 नो, 1 2 3 4 5 6, अरे क्या हो गया, 20000, 2 लाख 20 लाख, अरे इसको उठाओ कैसे भाई। ओके मिल गया मिल गया। एंड गाइस अभी देखो हम लोग क्या करने वाले, ठीक है। तो हम लोग अभी बस काफी कम बचे, तो मैं जितने हो सकते उतने डिटोनेट कर लेता हूँ। नो वे भाई, नंबर्स ठीक से दबने रहे। ओ तो काफी सारे वार्डन्स है यहाँ पे, भागो 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 भागो। ओ नो नो नो, वार्डन पड़ गए भाई, पीछे पड़ गए पीछे पड़ गए। वेट वेट भाई, वार्डन से नहीं बच सकते हम लोग। ये डिफेंस बेस एक्चुअली में फेल गया वार्डन्स के अगेंस्ट, इसलिए आप पे ना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगली बार इससे भी खतरनाक हम लोग डिफेंस बेस बना सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।